गुड इवनिंग प्रेम कार्तिक गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग हर्ष जैनम गुड इवनिंग दुर्वी होमवर्क अब तक पहुंच गया होगा मेरा होमवर्क पहुंच गया है और डिस्कस करना है मतलब आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए क्या नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है आपके। आप चलो ठीक है मैं एक काम करता हूं मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक नो डाउट क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये मतलब यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा इस तरीके से आना चाहिए आंसर ये आंसर ये आया क्या ठीक क्वेश्चन नंबर 2 HCl आया तो यहां बताओ मार्कोनी कॉफ होगा ना यहां पर बेटा मार्कोनी कॉफ होगा अरे बेटा एंटी मार्कोनी कॉफ के लिए HBr कंपलसरी था मार्कोनी कॉफ के लिए HBr कंपलसरी नहीं था आपको ऑर्डर भी लिखवाया था बेटा ओनली इन केस ऑफ परऑक्साइड HBr शुड बी प्रेजेंट बट इन केस ऑफ द मार्कोनी कॉफ HBr HCl दुर्बी बेटा समझ में आया ना आपको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहां फिर HCl आ गया है सर प्लीज डोंट चेंज द टाइम ऑफ क्लास ओके नहीं करूंगा मैं क्लास चेंज ठीक है ना इतना मतलब परेशान क्यों भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कर ही दूंगा CL लेके आए हो तो ये आएगा आंसर थर्ड वाले में फोर्थ वाले का आंसर है अल्कोहल मतलब यहां पे ईथर बन जाएगा वेरी गुड और क्वेश्चन नंबर 5
और कहीं पर भी किसी को डाउट लगे पूछ जरूर लेना है ना, या पहले मैं आंसर लिख दू उसके बाद पूछ लेना, जैसा सुटेबल लगे आप लोगों को। यहां आपका रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, चलो रिंग एक्स ये करना थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से रहेगा आपका कि फिफ्थ वाले में सबसे पहले ये है, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका CH3, ये सिंगल बॉन्ड और CH3, रिंग एक्सपेंड प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो आपका जो केस बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। फिर आपका बीआर था ना, सॉरी H2O था, OH, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एनी डाउट? बेटा अमी आयुष, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है क्या? चलो नहीं है मतलब, हाँ 6 वाला आपका आता है, 2 से 4 एंड दिस। ठीक 6 हो गया, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में रिंग एक्सपेंशन, तो ये भी मैं करके कर देता हूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कर सकते हो ना, मतलब रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, ये वाली रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, ये दोनों रिंग फ्यूज हो जाएंगे आपस में, और फ्यूज होने के बाद इसमें वो जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना बेटा? आयुष, अमी, प्रेम, आदित्य, जैनम, कार्तिक, प्रेम, कर सकते हो ना? ठीक है, चलो कर लेना। वैसे इतने सही होंगे तो ऑब्वियस बात है ये भी सही होगा आप लोगों का। ठीक है ना, बस रिंग फ्यूज हो जाएंगे याद रखना बस। ठीक है, वेरी गुड अमे, आपके सभी क्वेश्चन, वैसे सभी क्वेश्चन किस किन किन स्टूडेंट के सही है, किन किन बच्चों के सभी क्वेश्चन सही हैं? वेरी गुड कार्तिक, प्रियांशु, सरिया के 2 गलत हैं, आयुष का एक, एक सेकेंड लास्ट स्लाइड, अच्छा लो 2 गलत, प्रियांशु के सारे सही हैं, कार्तिक के 5 सही हैं, आदित्य का 1 एक्सेप्ट 1, चलो बेटर है। और जिनकी गलतियां हुई हैं, जिनके रॉन्ग हुए हैं, उनको समझ में तो आ गया ना मिस्टेक कहां हुई उन लोगों से।
ये बस मेन है कि यदि आप जो गलती करते हो उसको आप समझते हो प्रॉपरली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो अभी तो वैसे नॉर्मली क्लास ही है तो ठीक है। चलो हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग लास्ट क्लास में आपको हाइड्रेशन में पढ़ा चुका हूं, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। आई थिंक नंबर फोर रिएक्शन होगी ना ये, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ओएमडीएम, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग लिखते हैं रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले उनको मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो है अल्कोहल, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे अवॉइड रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट को अवॉइड करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज द नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ गया होगा कि अवॉइड क्यों करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है एंटी एंटी एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो एक तो ये याद रखना है और एक याद रखना है, यदि ये दो चीजें याद है तो ऑब्वियस बात है ऊपर की जो कोई नीड ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है चलो, अब यहाँ पे है कि यूज द नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हमारा अटैकिंग एजेंट होता क्या है, कौन अटैक करता है, ये भी तो पता होना चाहिए, तब तो समझेंगे कि नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया। तो हमारा यहाँ पे जो अटैकिंग एजेंट है वो है मर्क्यूरिक एसीटेट, वो है आपका मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, अब मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है कि ये डिसोसिएट होता है मर्क्यूरस एसीटेट एंड एसीटेट आयन में। अब यहां पे जो आपका Hg प्लस OAC है दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इट मींस जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है, तो यहाँ पे है आपका Hg प्लस ऑफ OAC माइनस, ये आपका अटैकिंग एजेंट है यहाँ पे। ये तो हुए इस रिएक्शन के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स। और ये जो रिएक्शन है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसका जो टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है तो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा, तो स्टेप वन में बेटा फॉर्म होगा साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक मॉलिक्यूल
मर्क्यूरियम आयंस और स्टेप टू में वॉटर अटैक मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ वॉटर अटैक द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द साइक्लिक मर्क्यूरियम आयंस। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट सारे नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके सारा कंसेप्ट सिखाता हूँ फिर मैं, ठीक है ना, और सारे स्टेटमेंट को एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसी के साथ, आप नोट कीजिएगा इसको केवल। हाँ एसीटेट को बेटा मैंने एसी लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में यही लिखते हैं आप, एग्जाम में भी एसीटेट को ओएसी लिख के देते हैं वो लोग। बाकी तरीका तो सही है, समझ में आ रहा है ना इस तरीके का, कि पहले सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट उसके बाद रिएक्शन। हाँ वो एक्चुअल में इससे फायदा होता है कि कोई पॉइंट मिस नहीं होता है, और जब हम करते हैं तो ये सारे पॉइंट ना दिमाग में चलते रहते हैं पैरेलल में। चलो समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। ये आपकी अल्कीन है, आपने इसे कराया मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर और सेकेंड स्टेप रहेगा आपका NaBH4 और OH-। चलो इससे बनता है आपका R ऑफ CH सिंगल बॉन्ड ऑफ OH सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3। पता आपको, मैं यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ दो स्टेप लिखे हैं, स्टेप वन में मतलब फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है। इसका यदि अभी मैकेन समझाऊंगा तो समझ में बिल्कुल आ ही जाएगा, लेकिन अभी भी समझ लो कि पहले स्टेप का मतलब होता है मर्कुरेशन, ऑक्सी मर्कुरेशन, और सेकंड का होता है डी मर्कुरेशन। फर्स्ट का पॉइंट का मतलब है यहाँ मर्कुरेशन चल रहा है पहले पूरे स्टेप में, और सेकंड वाले में फिर डी मर्कुरेशन चल रहा है फिर, इसलिए कंप्लीट प्रोसेस जो होगी वो ऐसे ही लिख के आएगी, और दिस इज कॉल्ड ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। इसको नोट डाउन करो, फिर मैकेन समझोगे तो एकदम सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको भी। हो गया बेटा, चलो सर पहली स्टेप को बोला बेटा मैंने बोला है ऑक्सी, ये लिखा हुआ है ना आप समझो, ये फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सी मर्कुरेशन, ये सेकंड स्टेप होता है डी मर्कुरेशन। चल ये नोट हो गया होगा ना,
चलो डन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उसकी मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। मैकेनिज्म बहुत इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका, मैकेनिज्म में क्या है, मर्क्यूरिक एसिटेट। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यहां इलेक्ट्रोफाइल ही बनने वाला है, क्योंकि तभी तो वो अटैक करेगा। और मर्क्यूरिक एसिटेट कैसे ब्रेक होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एचजी ऑफ ओएसी एंड ऑफ ओएसी माइनस, इस तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्किन के ऊपर, बस। अब यहां थोड़ा आप लोग लिखना कर दो बंद और सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। ये है मर्क्यूरिक एसिटेट। अब यहां ऐसा क्या होने वाला है कि इसको नॉन क्लासिकल बोला, तो आपको शायद याद हो कि मरकरी जो है उसके पास एनएस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहता है एनएस ऑर्बिटल में मरकरी के, मरकरी के एनएस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी रहेगा। सब ऊपर से निकल गया लग रहा है मुझे, ओवरफ्लो हो गया क्या, अरे वाह समझ में आ गया, वेरी गुड। तो जो लोन पेयर होता है, सुनो ध्यान से, वो भी अवेलेबल रहेगा ना इसके साथ। तो यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रही है, सुनना ध्यान से। जब ये बॉन्ड इसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा होगा, ध्यान से सुनना बेटा, लिखना करो बंद, ध्यान सुनो। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक एसिटेट की प्रेजेंस में, तो ये हुआ डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव हो रहा होगा, हुआ नहीं है, ये प्रोसेस चल रही होगी। उसी टाइम पर ये मरकरी अपना प्लस चार्ज देगा इसको और लोन पेयर दे देगा इसको, तो क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी रिमेनिंग बचेगी क्या? नहीं बचती है। तभी हम लोग कहते हैं कि नॉन क्लासिकल में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन ही नहीं बनता है। जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। एग्री ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते जरूर है यहां पे कि कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन बिल्कुल नहीं बनता है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मतलब सिंपल सा है, प्लस ने बनाया नेगेटिव पे बॉन्ड, लोन पे ने बनाया पॉजिटिव पे बॉन्ड, तो कहीं पर प्लस होने की पॉसिबिलिटी नहीं बची यहाँ पे। और जब नहीं बची पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियस बात है, देखो क्या बनेगा इसके बाद, ये बनेगा R ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2, और ये यहाँ पे मरकरी। अब एक चीज और है, मरकरी ने प्लस चार्ज दिया तो प्लस चार्ज हट गया था इसके पास से, लेकिन जैसे ही लोन पेयर देगा तो प्लस चार्ज फिर से आ जाएगा ना इसके पास, समझ लो मेरी बात। मरकरी का प्लस चार्ज जैसा था बिल्कुल एडिटिव बना रहेगा, क्योंकि जब प्लस को डोनेट किया मतलब नेगेटिव में गेन किया तो न्यूट्रल हो चुका था, लेकिन जैसे ही लोन पेयर दिया तुरंत फिर से पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया। ये बन गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। It cannot isolate unstable. आप बताओ बेटा यहां तक चीज क्लियर है ना? देखो मैं हर स्टेप पे पूछ रहा हूं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए आप लोग भी रिस्पॉन्स देते रहे एकदम। हाँ, अब यहाँ पे आपका ध्यान रखोगे तो वॉटर भी साथ में था। देखो यहाँ एरो के ऊपर, यहां देखो एरो के ऊपर वॉटर भी है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट के साइड में वॉटर लिखा हुआ है। जो कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कैसे वर्क कर रहा है बेटा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा यहाँ पे ये। अब न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो अटैक कहां पे करेगा, तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, सब लोग ध्यान से देख लें।
आपके पास देखो मरकरी के पास प्लस चार्ज है, अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक जरूर करेगा। और बॉन्ड ब्रेक करने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे मतलब बॉन्ड नंबर ए ब्रेक करे, या फिर बॉन्ड नंबर बी ब्रेक करे। क्लियर समझ में आ रहा है ना? या तो बॉन्ड नंबर ए या बॉन्ड बी ब्रेक करेगा, ठीक है। अच्छा यदि ये सामने समझ में आ रहा है तो आप अब देखना बेटा प्रीवियस स्लाइड पर जाओ, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है वॉटर अटैक द मोस्ट सब्सिट्यूटेड कार्बन। ये लाइन क्लियर है ना? मोस्ट सब्सिट्यूटेड कार्बन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। अच्छा बताओ इन दोनों में किस बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमें मोर सब्सिट्यूटेड कार्बन मिलेगा, ए वाला बॉन्ड या बी वाला बॉन्ड? आप लोग गलत हो बेटा, गलत हो कबीर, गार्गी, आयुष, आप सब लोग मिस्टेक कर रहे हो बेटा। ए वाला बॉन्ड ब्रेक करने पे हमें मोर सब्सिट्यूटेड, मोर सब्सिट्यूट का मतलब होता है मोर स्टेबल, मोर सब्सिट्यूटेड का मतलब होता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इस तरीके से प्रियांशु, रिद्धि, बात क्लियर हुई ना मेरी? दुर्वी, मोर सब्सिट्यूटेड का मीनिंग होता है मोर स्टेबल। तो जब आप ए वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो मोर स्टेबल केस मिलेगा ना, 2 डिग्री वाला, जबकि बी करोगे तो हमें 1 डिग्री मिलेगा। वो अलग बात है कि कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, लेकिन मोर सब्सिट्यूट कौन सा होगा, ए वाला होगा। ये चीज क्लियर है ना? और कहो तो साइड में लिख देना, यहां से लेस सब्सिट्यूटेड मिलेगा हमें, जबकि यहां पे हमें मोर सब्सिट्यूटेड मिलेगा। बता रहा हूं बेटा, अभी 2 मिनट वेट करो, देखो हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है ना? ये देखो पॉइंट क्लियर है ना? इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नहीं होगा, रीजन साथ में लिखा है। अच्छा मैं बोल रहा हूं कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ऐसे नहीं टूटेगा जैसे मैं बता रहा हूं। बॉन्ड जैसे ही टूटेगा उसके पहले ही ऑटो अटैक कर लेगा ना, क्योंकि लाइन नहीं पड़ी शायद आपने मल्हार कुलकर्णी, यहां लाइन क्या लिखी है बेटा, वॉटर अटैक मोर सब्सिट्यूटेड ना, वॉटर अटैक करेगा उसी टाइम पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ए वाला। सेम टाइम पे चल रहा है, साइमल्टेनियसली प्रोपगेशन हो रही है ये। बेटा समझ में आया ना पॉइंट ये? तो अब आपकी देखो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा ना, अब तो यहां होने वाला है डी प्रोटोनेशन। तो आपके सामने आपको मिल गया क्या, आर ऑफ OH, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2, और यहां लिखा है मरकरी और साथ में लिखा है OAC। अब पहले तो आप ये बताओ यहां तक सारी चीज क्लियर है कि नहीं है? सभी स्टेटमेंट, सब रिएक्शन है कि इनके सभी स्टेप्स क्लियर है ना? बॉन्ड कौन, क्यों, कैसे और कब ब्रेक हो रहा है, ये तीनों क्रेज बता दिए मैंने। देखो ये है फर्स्ट स्टेप है, यहां तक क्या लास्ट सब लास्ट सेकेंड, एक और बात, लास्ट सेकेंड मतलब बेटा आयुष तिवारी कहां पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, आयुष
हाँ यहीं पे देखो, आप एक चीज बताओ ना, मतलब ये इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, मैं अलग से बताता हूँ आपको। ये लिखा है, ये मरकरी है, वॉटर अटैक करेगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा। ये हो रहा वहां पे, वॉटर ने अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटेगा। यदि सपोज वॉटर यहां अटैक करता इस पोजीशन के ऊपर, तो बॉन्ड ये टूटता जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। हम अटैक कहां पे करना, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन होगा। अब आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अलावा। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया, ये मर्कुरेशन है पूरा। ये क्या है, मर्कुरेशन हो गया। आपने देखा एरो के ऊपर जितने भी रिएजेंट लिखे हुए थे, सारे यूज कर लिए ना आपने, मर्क्यूरिक एसिटेट भी यूज कर लिया, वॉटर भी यूज कर लिया आपने। अब आप बात आती है डी मर्कुरेशन। एक और एग्जाम्पल बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ आयुष तिवारी, अभी ये फिनिश नहीं हुआ, अभी तो आधा ही हुआ है। अभी एग्जाम्पल बात की बात है, पहले ये तो फिनिश हो जाए। देखो, इतना होने के बाद ये हुआ फर्स्ट स्टेप मर्कुरेशन, ऑक्सी मर्कुरेशन। अब आती है डी मर्कुरेशन की बात। तो आपको पता है डी मर्कुरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, NaBH4, और साथ में है बेसिक मीडियम। तो आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 ब्रेक होता है Na+ और BH4- में, और जो BH4 जो है ना वो फर्दर ब्रेक हो जाता है BH3 और H- में। और H- आपको पता होगा इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 वैसे वीक होता है, लेकिन मतलब H- का काम होता है रिड्यूस करना, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, इसी स्टेप में है जो अब है, इसी स्टेप में है कहानी पूरी। सबसे पहले देखो ये बॉन्ड ब्रेक, अब यहां पे बॉन्ड होगा पोलराइज। मर्क्यूरिक एसिटेट का बॉन्ड या मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो हाईली पोलराइज तो होगा। मेटल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और कार्बन विच बॉन्ड आर मोर पोलराइज, तो ऑब्वियस बात है ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा ना। जब ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो मरकरी पे चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मरकरी न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगी, बेटा इलेक्ट्रॉन ले लेगी ना यहां से। तो अब यहां पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तुरंत H- जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा कार्बन के ऊपर। देख लो भाई, बताओ कोई डाउट। ये बॉन्ड पोलराइज हुआ तो प्लस यहां पे आया, मरकरी ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन पर। जैसे ही प्लस आएगा तुरंत H- क्या करेगा, अटैक कर लेगा यहाँ पे। और जैसे ही अटैक करेगा आपको मिलेगा R of CH OH, sorry, CH2 of H plus HG plus of OAC minus। देखो इसको कहते हैं डी मर्कुरेशन, मतलब मरकरी को अलग कर दिया। देखो मरकरी अलग हो गई ना, आपने CH2 एंड HG बोथ पर डेल्टा प्लस ही लिखा है। बिल्कुल लिखा है बेटा, हमें आप समझ, आप मेरी स्टेटमेंट सुनते हैं, पैरेलल में तो समझ में आता। मैंने बोला मरकरी ने बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर प्लस आ रहा था, तो इस मरकरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो इसका तो प्लस हो जाएगा न्यूट्रल, और प्लस चार्ज कार्बन पे आएगा ना। फिर एक्चुअल में एक ही स्टेप में हो रहा था, मुझे एक में ही करना पड़ा, वरना मैं अलग अलग करके दिखा देता, फिर आपको और डाउट हो जाता क्रिएट किया, सर वो कार्बो कटाइन क्यों नहीं बना और इस तरीके से। इसलिए मैं इसको एक ही में करके दिखा दिया कि किस तरीके से एसिटेट अलग हुआ, मरकरी पे प्लस आया तो CH2 से इलेक्ट्रॉन लिया, और CH2 पे प्लस आया तो उसने H- गेन कर लिया। तो
तो ये स्टेप था मर्कुरेशन, ये स्टेप हो गया डीमर्कुरेशन। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर दूसरा वाला कार्बन पर भी तो डेल्टा प्लस होगा ना, कौन किस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज होगा बेटा? आदित्य शायद आप इस तरीके से सभी पे पॉजिटिव चार्ज ले लोगे तो हर बॉन्ड पोलराइज है, तो सारे बॉन्ड ब्रेक ही कर दो ना, सबको अकेला छोड़ देते फिर हम लोग यहाँ पे, कंबाइन करने की नीड ही नहीं है ना फिर। फिर ये बॉन्ड जो बन रहा है बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि सब में पोलराइजेशन होगा फिर तो। आदित्य शाह जवाब दो बेटा मेरा, मेरी बात का जवाब दो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। अब जो पॉइंट मैंने पहले पेज पे लिखवाए थे, लास्ट स्लाइड में लिखवाए थे, उनको देख लो सब। देखो एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, OH और H अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एंटी एडिशन है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक किया ना बॉटन ने, ये सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे रिअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बना पहली बात। और यहाँ गौर करोगे तो क्या बेटा ये मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं है? देखो ध्यान से, ये मार्कोनी का प्रोडक्ट है ना, गौर करो। यदि अल्कीन पे डाइट आप मार्कोनी को आप लगा दोगे, ये NaBH4 की प्रेजेंस में चलता है बेटा पूरा कहानी, ओम सोनी। क्योंकि हमें डी मर्कुरेशन करवाना है ना स्टेप में, इस वजह से। यदि ऑनली मर्कुरेशन करवाते तो वहीं छोड़ देते, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे देखो मार्कोनी का प्रोडक्ट है नहीं है, यदि आप अल्किन पे डायट हाइड्रेशन कराओगे तो यही तो बनेगा मार्कोनी का प्रोडक्ट। तो आप लोग नोट करने में लग जाते हो, समझते नहीं हो मेरे ख्याल से, आप नोट बहुत जल्दी जल्दी करते हो, जवाब भी दे दिया आपका नोट करने के बीच में कभी कभी। हाँ नोट करो, इतनी भी जल्दी नहीं करता है, मतलब कर लो। नोट करो जल्दी से। डन हो गया, चलो ठीक है। अब देखो इसका मेन जो है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, तो इसमें लिख लो हेडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ OMDM।
अभी मैं इसके बहुत से एग्जाम्पल कराऊंगा, इसलिए जरूरत नहीं है परेशान होने की, ठीक है? बहुत एग्जाम्पल होंगे इसके, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है? जो कह रहा था ना सर वो खत्म, और एग्जाम्पल मतलब कौन था, आयुष, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी पहले इसके बारे में पहले डीप इंफॉर्मेशन ले लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कैसे है। आप सुनो, यहाँ पे यदि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की टर्म में बोलूं तो आप, आपके पास दो तीन ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? कि जो आपके पास अल्कीन है तो अल्कीन दो टाइप की हो सकती है ना, या तो सिस होगी या फिर ट्रांस होगी। समझना ध्यान से बेटा, यदि आप थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री की टर्म में बात करोगे तो आपके पास अल्कीन दो टाइप की हो सकती है ना, सिस या ट्रांस। अरे भाई जवाब देना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे नहीं होगा काम। क्योंकि बिना आप, देखो मैंने पहली क्लास में समझाया था, बिना जवाब के मजा नहीं आता मुझे। मतलब मुझे क्या है कि जब बोलूं तो रिस्पांस मिले तो लगे कि हाँ कोई सुन रहा है यार मेरी बात को। वो अलग बात है, सुन तो आप सब लोग रहे हो, बट एक होता है ना कि कोई बात कहे और यदि जवाब ही नहीं दोगे तो लगता है कि पता नहीं क्या हुआ। हाँ तो वो चाहे एक दो ज्यादा नहीं दें, एक दो लोग ऐसा कर लें कि हाँ भाई आपको रिस्पॉन्स देना है, सब शायद बिजी हो गए लिखने में, तो एक दो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो आप, एल्कीन हमारे पास दो है कि सिस और ट्रांस है, तो मैं एक सिस का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ट्रांस को एज्यूम कर लेंगे हम लोग फिर, है ना? थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा अलग कलर से चलते हैं ना। चलो ये कलर सही रहेगा, दिख रहा है ना कलर, और डार्क कर लें कलर। ये सही है, ये हो गई सिस अल्कीन है आपके पास, ठीक है? तो अब थोड़ा सा स्टेप थोड़ा कम बना के चलेंगे, 30 स्टेप पढ़े थे, 30 स्टेप तो नहीं जाएंगे हम लोग, अब थोड़ा कम स्टेप पे चलेंगे। पहला स्टेप था मर्कुरेशन, ऑक्सी मर्कुरेशन पहला स्टेप था, मतलब बात केवल इतने पॉइंट की ही हो रही है केवल, या एच टू हटा दो अभी हल्कर, बात केवल इसकी हो रही है कि मर्कुरेशन हो रहा है इसका ये। तो आपको पता है कि जब मर्कुरेशन होता था तो हमारे पास मरकरी बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। अब वो कैसे बनेगी देखो ध्यान से, अब मैं एक्चुअल 3D डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि सिस है तो इनके प्लेन सेम होंगे, CH3 CH3 का प्लेन सेम हो जाएगा और डी वाला प्लेन सेम होगा, और ये आपका मर इस तरीके से ये कहानी होगी। बताओ यहां तक चीज क्लियर है ना? ये ऑक्सी मर्कुरेशन हो गया। अब यहां पे अटैक कौन करने वाला बेटा? वॉटर अटैक करेगा। ठीक है, अब आपको पता है यहां सिमेट्रिक है, कहीं पर बेटा करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना? यहां पर आप कहीं पर अटैक करा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड है। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसको यहीं अटैक करा दिया इस पोजीशन पे, ठीक है? और जैसे ही इस पोजीशन पे अटैक कराओगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो। अब देखो मैं एक दो स्टेप साथ में कर रहा हूं, देखो मैं एक्चुअली समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। तो जब ये देखो ये यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो इस O H2O का जो प्लेन होगा, H2O का जो प्लेन होगा वो इस तरीके से आएगा ना,
और ये आपका यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिटेट ये जो था वो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आ गया वॉटर। एच प्लस मैंने ऑटोमेटिकली निकाल दिया, समझ जाना यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एच टू ने अटैक किया और एच प्लस बाहर निकल गया, ये हो गया। अब आएगा एच माइनस, मतलब एन ए बी एच फोर का एच माइनस अटैक करने को आएगा, यहां से आएगा अटैक करने के लिए कौन आपका एच माइनस। आप एक चीज मुझे बताओ ध्यान से कि जिस प्लेन से आपका ये एसिटेट अलग हो रहा होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, क्या उस प्लेन से एच माइनस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव तो आएगा बेटा, और OH साथ में, तो यहाँ OH इसको रिपेल करेगा एच माइनस को कि नहीं करेगा? भाई मेरी साइड से बताओ, यही बात हो जाएगी ना सामने। चाहे देखो इसको ऐसे समझो या फिर एक काम कर, जिसमें काम करो, रुक जाओ 2 मिनट, को आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें थोड़ा सा, 2 मिनट हो जाओ, मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जो आप कंफ्यूज ना हो। आप इस एरो को ऐसे पढ़ो कि ऊपर से अटैक कर रहा है ये, ठीक है ना। ये अब थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लगेगी इसमें, तो ये ओ एच यहां एज्यूम कर लो आप, CH3 ये रहेगा और D रहेगा ये, और H माइनस। अब देखो H अपोजिट प्लेन में है आपके, H माइनस जाएगा इस पोजीशन से यहां से, ठीक है ना। अब देखो ये CH3 और ए डी, और ये हो गया CH3। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा मेरा आपके लिए है कि ये जो प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट कैसा है? एंटी एडिशन हुआ ना, यस या नो? तो आई थिंक आपने एक पॉइंट शायद सर ने लिखवाया है आपको कि सिस अल्कीन में यदि हम लोग एंटी एडिशन करते हैं तो एनेंसोमस बनता है। हाँ थीरियो भी बनता है, और यदि ट्रांस में एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो कंपाउंड बनता है। ये आप लोगों ने लिखा है कहीं पे, ऐसे लिखा होगा कि सिस में एंटी एडिशन किया तो एनेंसोमस बना, और ट्रांस में यदि एंटी किया तो मीजो बनेगा, ठीक है। आप भैया बताओ कि स्टीरियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? प्लेन व्लेन सब समझ में आ गए ना आपको, कि हमेशा याद रखना ओ एच की अपोजिट प्लेन में एच होना चाहिए, और एच किसका है? एच माइनस एन ए बी एच फोर का एच आएगा, और वॉटर का ओ एच आएगा। देखो एक चीज और बताऊं मैं, सुनना ध्यान से, अभी 2 मिनट रुक जा, नोट मत करना, सुनो यहाँ पे। यदि मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को ना आप डायट याद करो, जैसे डायट क्वेश्चन करना कभी हमें, तो कैसे करोगे पता आपको? आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ नहीं यहाँ पे आओ पहली स्लाइड पे, पता क्या याद रखना है? सब लोग बच्चे सब लोग ध्यान से देखो, क्योंकि ये ना आपके कम से कम एग्जाम में 5 मिनट बचाएगा, 5 नहीं तो 3 मिनट तो बच ही जाएंगे आपके, ये मान के चलो आपके। कैसे देखो, आपको एक चीज दिमाग में फिट हो गई कि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, कि एक चीज लगानी ना केवल डबल बॉन्ड पे एच और वो जोड़ना, ये दिमाग लगाना है ना केवल डबल बॉन्ड पे एच और ओएच जोड़ना है, ये चीज सोचनी ना केवल आपको। तो यदि ये सोचना है तो आप याद रखो ना, मार्कोनी को बनाना है तो सीधा ओएच यहां जोड़ दो और एच यहां जोड़ दो, बस आंसर आ गया ना, किसी और से मतलब ही नहीं है। और दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्लेन में होंगे ये भी समझ लो ध्यान से, मतलब यदि ये वेज लाइन पे है तो ये डैश लाइन पे हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये OH आया कहां से? OH आया यहां से,
एच कहां से आया? ये आया एच इसका। अब बताओ चीज क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट तरीका है, मतलब आपके एग्जाम में 2 मिनट बच जाएंगे इस चक्कर में, यदि आपने ऐसा समझ लिया सीधा इसको कि OH आया इससे, H आया इससे, काम खत्म। ठीक है, अभी देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलो नोट कर लो इसको, अब इसको नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो नोट कर लो, आराम से कर लो हमें। नोट हो गया होगा बेटा आपको? अरे बेटा नोट हुआ या नहीं? चलो हो गया नोट। आप देखो आगे, अब एक काम करते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाते हैं फिर, ठीक है ना? थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो बूस्टअप करते हैं थोड़ा सा, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा कि सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन नीड ही नहीं पड़ेगी पहली बात तो, फिर क्वेश्चन देंगे होमवर्क में बाकी क्वेश्चन। एग्जांपल सपोज क्वेश्चन दिया मैंने बेटा ये आपको, ठीक है? इस क्वेश्चन पे अब देखो कितनी रिएक्शन करवानी है आपको, ठीक है ना? अब ध्यान से देखते हैं ना भाई। फर्स्ट H2O H+, सेकेंड HgOAC का होल ट्वाइस H2O,
NaBH4 एंड OH माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरिक एसीटेट D2O NaBH4 OH माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन सी में, HGAC का होल ट्वाइस ऑफ H2O NaBD4 OH माइनस, एक और क्वेश्चन, Hg of OAC का होल ट्वाइस अल्कोहल ले लिया मैंने यहां पे ROH, बाकी सिंपल है NaBH4 OH माइनस। अब देखो आपके सामने, आपको पता कितने सारे क्वेश्चन मिल गए, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन फॉर्म हो गए आपके सामने, हो गए ना बेटा। देखो तो इन सब के आंसर बताने हम लोगों को, ठीक है ना। अब पहले एक क्वेश्चन मैं करके आपको सिखाता हूं, फिर अगला आप करोगे, ठीक है, कि आप ही लोग करना चाहोगे बताओ, जैसा आप कहो वैसा हम एग्री हैं, आप लोग करना चाहोगे अब मैं करके दिखा दूं। अरे आप लोग नोट करने में लग गए ना फिर से, आप लोग करोगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, टाइम नोट कर लेता हूँ। हाँ आप लोग करो, चलो ठीक है, देखते हैं आप कितना टाइम कंज्यूम करते हो इस क्वेश्चन करने के लिए। अभी टाइम हुआ है 8:01, अब देखते हैं कितनी देर में आप सॉल्व करते हो। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, 5 क्वेश्चन हैं, देखते कितना टाइम लगाते हो करने में। करो आप 2 मिनट में मैं आया तक, आप नोट इसको सॉल्व करो, ठीक है ना।
तो प्रियांशु का आंसर आ गया है, प्रियांशु शर्मा। आप पे तीन मिनट लिए सॉल्व करने के लिए इसको, ठीक है ना। चलो और बच्चे, थोड़ा मैं टाइम भी कैलकुलेट कर रहा हूँ किस बच्चे का कितना टाइम कंज्यूम होता है। इसके 3 मिनट यूज हुए, पूर्वा 4 मिनट। आदेश शाह के भी चलो अब सबके आंसर आ रहे, आप एक मैं ही बता देता हूं, अब मैं सब बताऊंगा बेटा कार्तिक, मैं ही बताता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन को करने होता है कितने मिनट लगेंगे, देखो एक देखो एक्चुअल में अभी पास अपने ऑप्शन नहीं है, अपने पास बनाना है, ठीक है। इसलिए पहले वाले का आंसर देखो मैं आपको थोड़ा जल्दी करके दिखाता, जल्दी करके दिखाऊ समझा के कराऊ जल्दी बता। पहले वाले का आंसर आता है इस तरीके से कि OH रहेगा यहाँ पे, H रहेगा यहाँ पे, और पता है सबके डायग्राम बना देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले देखो आपको ना एक हेल्प कर देता हूँ मैं, मतलब समझने के लिए बहुत इजी रहेगा ये सब। ये बनाया डायग्राम इसके लिए, ये बनाया डायग्राम, सबके डायग्राम पहले बना देता हूँ, साइक्लोपेंटेन का डायग्राम सब जगह बना देता हूँ। और देखो क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इतना। देखो सुनो अब ध्यान से सुनते ना बेटा, पहला वाला तो आपने हाइड्रेशन पढ़ा हुआ है, तो नो डाउट ये आपने कर ही लिया वो सब बच्चों ने, ठीक है। ये तो पहला फर्स्ट तो कर लिया सबने, अब सेकेंड से समझो, मतलब बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, इम्पोर्टेंट भी है और सुनो ये हो गया। आपको क्या सभी रिएक्शन कौन सी हैं जल्दी से बताओ, ऑल रिएक्शन आर मार्कोनी OMDM ना, ऑल रिएक्शन आर OMDM, ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन, जवाब देते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा, सभी में मार्कोनी का पॉइंट बनने वाला है, ये पॉइंट आप पढ़ चुके हो पहले। अब देखो कैसे बनेगा, देखना चुटकियों में बनेगा। देखो H2O है यहाँ पे, H है, बस यहाँ OH जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, यहाँ D2O है OD जोड़ दो, यहाँ H है H जोड़ दो, यहाँ H2O है OH जोड़ो, यहाँ D है D जोड़ दो, यहाँ अल्कोहल है मतलब यहाँ पे OR आएगा न्यूक्लोफाइल, ये H है ये H आ गया। देखो आंसर आ गया ना सब, बताओ अच्छा चुटकियों में आंसर आए कि नहीं आए, कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सही तरीका है ना, मतलब बिल्कुल टेंशन दिमाग में टेंशन लेनी नहीं है, जो स्ट्रक्चर है उसको सामने लिखो, मार्कोनी कॉप से ऐड कर दो, किसको ऐड करना है उसको लिख दो, आंसर है सारे। कैसा लगा ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन, कैसा लगा आप लोगों को, मजा है ना?
ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में, मतलब एक मिनट नहीं लगा होगा बताने में मुझे शायद, और सारे आंसर आ गए। ऑर्गेनिक ऐसी ही पढ़ी जाती है और ऐसी ही याद रहती है एग्जाम टाइम पे, वहां पे भी मिकेन दिमाग में ही लगता है, वहां पे एग्जाम में बैठे मिकेन लगा रहे, पता एक घंटे का पेपर डेढ़ घंटे में करके आ रहे हो, वहां हमें टाइम बचाना है ना कि टाइम को कंज्यूम करना है। ऑब्वियस है बेटा, पेपर में पूछे क्वेश्चन है। आयुष तिवारी, क्यों इतना टेंस सर? अगर एच को पेंटागोनल के अंदर बनाए तो उसका मीनिंग चेंज हुआ क्या? अरे बेटा वो तो मैंने बना दिया केवल ऐसे, एक्चुअल में होगा कैसे सुन लो ध्यान से, ये भी बता देता हूं। इन सभी में जब H और OH जोड़ेगा तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाओगे ना इसका, मतलब यदि ये CH3 इस प्लेन में होगा तो आपका OH इस प्लेन में जाएगा तो आपका H इस प्लेन में जाएगा, बस ये तो याद रखना है केवल कि OH और H अपोजिट प्लेन में रहे, बस बनाते जाओ सब में। अब ये तो मैं बता ही चुका हूं ना कि एंटी एडिशन होता है ये। ठीक है, और आपको जब भी इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको इस फॉर्म में मिलेगा, इसकी जो ऑप्शन मिलते हैं वो इस फॉर्म में मिलते हैं, ये थोड़ा सा याद ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्लेन ही तो चेंज करना दोनों का, तो करते रहोगे ना प्लेन चेंज। सर लास्ट वाले में OH क्यों नहीं आया? बेटा यहाँ पे ROH था, आप सोचो ना ROH को जब ब्रेक करोगे तो RO माइनस बनता ना न्यूक्लोफाइल, तो OH क्यों आएगा? यहाँ ROH में RO माइनस बनेगा ना न्यूक्लोफाइल। बेटा प्रियांशु शर्मा, एल्कोक्साइड आयन बिकॉज अल्कोहल हैव द टेंडेंसी टू गिव द ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड टू फॉर्म एल्कोक्साइड। चलो तो इसको आप नोट कर लो बेटा। तो आप इसको नोट कर लो बेटा, बहुत इजी चीज है ये तो। अब तो आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में करके दिखा दोगे मुझे, बस लिखने में जो टाइम लगेगा बस वही टाइम है मान लो, बाकी आंसर तुरंत आएगा आपका। तो अब इसके क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं, अब नहीं करा रहा हूं लेकिन होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क में दूंगा इसके क्वेश्चन। ठीक है ना, चलेगा। या करना हो तो बताओ यदि बाय द वे इंटरेस्ट हो, ऐसे रहने दो, टाइम जरूरत बर्बाद मत करो उसको, कुछ और पढ़ लेंगे इस जगह पे, क्योंकि इसका भी एक सब पार्ट और रिमेनिंग है, वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रामोलिकुलर OMDM। इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब देखो जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है अब इतना तो नहीं, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा समझाते हैं इसको। देखो ध्यान से, ये OH यहां पे है,
ठीक है, ये कंपाउंड रहेगा। अब यहां पे ना मर्क्यूरिक एसिटेट अटैक करने को आएगा, NaBH4 और OH माइनस आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ कोई भी न्यूक्लियोफिलिक टर्म नहीं होगी, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक टर्म्स नहीं होगी, केवल इतना ही लिखा होगा। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो मर्क्यूरिक एसिटेट इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डबल बॉन्ड पर जाके ऐड होता है, सबको पता है ना इसके बारे में, वो डबल बॉन्ड पर जाके ऐड होता है। ये बन जाएगा, ध्यान देखो। अब यहां बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल की नीड ही नहीं होगी हमें, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मरकरी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये यहां से ब्रेक हो, सॉरी मरकरी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक कर लेगा ना उसी टाइम पे, ऑक्सीजन का लोन पेयर उसी टाइम पे यहां पे अटैक कर लेगा। और आपको इस तरीके से मिलेगा, देखो ध्यान से, ये मिल जाएगा ना यहाँ पे, और फिर वही NaBH4 का काम जो है यहाँ पे जो H माइनस आएगा, तो ये अपना काम से गया, इसने अपना काम कर लिया, और यहां से जो H माइनस गया वो अपने काम से ऐड हो गया। चलो मैं यहाँ रास्ता कहीं नहीं दिखा, मुझे यहीं से रास्ता दिखा, तो यहाँ से करा दिया और यहाँ हो गया डी प्रोटोनेशन हो गया। तो आपको जो फाइनल आंसर मिला ये मिल गया ना, बताओ कोई डाउट? बच्चों देख लो एक बार, यदि कोई डाउट हो तो पूछ ले मुझसे, अभी बहुत इजी है, मतलब ज्यादा। अच्छा यहाँ पे जहां OH लिखा है, सुना ध्यान से, यहाँ OH लिखा है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल आ सकता है, NH2 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ मुझे, और एग्जाम में ऐसा सजा नहीं मिलेगा जैसा अरेंज करके मैंने दिया है, इस तरीके से आएगा। चलो, और यहां पे मर्क्यूरिक एसिटेट और सेकंड पॉइंट में NaBD4। चलो बेटा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ बेटा इसका आंसर। आप लोग बताओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको, फिर देखना कितना इजी लगेगा।
बेटा आंसर आया क्या? कबीर, प्रेम, दुर्वी, प्रियांशु, शरिया, मल्हार, आयुष, ओम, कार्तिक, वन मिथाइल वन ऑक्सोहेक्सेन। ना 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 ना, चलो आंसर आ गया, अभी भी नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं बना के स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आप बता। और फिर देखो अभी तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, फिर मैं सब शॉर्ट बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना? आंसर आप लोगों का ये आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम इतना जरूरी नहीं है जितना और जरूरी काम है, यही आ रहा होगा। आ रहा है क्या यही? लो भाई, यादों का तो आंसर ही नहीं आ रहा। देखो उनके लिए एक डाइट तरीका है, यही आ रहा, वेरी गुड। उनके लिए मेरे पास एक तरीका है, देखो ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ना है, ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ना था जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, यही जोड़ना था ना, याद रखो। OH का O कहाँ होता था, जहां मोर सब्स्टिट्यूट होता, मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन में कौन सा कार्बन, ये कार्बन है ना, मतलब ये वाला O जो है वो यहाँ जुड़ेगा और D जुड़ेगा इस पोजीशन पे, D जुड़ेगा, ठीक है? काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन, 5, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। O को 5 नंबर दिया दिया, 1 पे CH2 जोड़ रखा है, जोड़ रखा है, ये 2 है, ये 3 है, 4 पे देखो मिथाइल है, देखो सामने आ गया आंसर, आया कि नहीं आया? विदाउट मेकिंग आंसर डायरेक्ट आपके सामने है। सही तरीका है ना ये, मतलब टाइम सेविंग है। बस कंसेप्ट थोड़ा याद होना चाहिए, तब तो तरीका सही है, बनना ऐसा नहीं कुछ और करके चले जाओ एग्जाम में। नोट हो गया हो तो बताओ, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करें, ये स्लाइड चेंज करूं मैं। आज मैं होमवर्क यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है? अलग से PDF नहीं भेजूंगा मैं, होमवर्क यहीं दे देता हूँ, ठीक? बिल्कुल बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि एक रिंग बनने वाली है, होमवर्क यहीं दे दूँ ना क्या? अलग से PDF, अभी दे दो तो अभी कर भी लोगे ना, वो PDF लेट मिलता होगा आई थिंक आपको। दो क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, क्यों क्वेश्चन एक्चुअली मैं इसी में से देने वाला हूँ। देखो ये याद रखना, ये सारे रिएजेंट रहेंगे, जितने रुपए लिखे ना, 2 मिनट बुझा टाइम सुन लो, ये सभी रिएजेंट रहेंगे, केवल मैं रिएक्टेंट चेंज कर रहा हूँ केवल इसका, ठीक है ना? आपको इसके प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? वो पांचों टाइप रहेंगे, ABCDE, ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया ना क्वेश्चन?
चलो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। नहीं 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 केवल क्वेश्चन नंबर 1 की 5 रिएक्शन लेके चलनी है, बाकी 2, 3, 4, 5 में सिंगल जो सामने लिखा है बस वही करना है। ठीक है ये है 5 क्वेश्चन आपके लिए। आप लास्ट स्लाइड देख लो, सॉरी लास्ट स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है होमवर्क का तो स्क्रीनशॉट ले लो ज्यादा बेटर है, बाकी ये सब नोट कर लो। मजा आ गया होगा वैसे। नहीं होमवर्क कॉपी करना बाकी है, एक काम करो ना होमवर्क को ना स्क्रीनशॉट ले लो इस होमवर्क का बेटा, ज्यादा सही रहेगा। बाकी आज मजा आया ना पढ़ने में, मतलब फील आएगा ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन में ना कितना इजी है ये। चल ओके बाय बेटा।